वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप स्नैपचैट पर अकाउंट बना सकते हो, नहीं कैसे आप इसको आईडी बनाना। सबसे पहले प्ले स्टोर से इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना है, अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर सेल्स कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप अलाउ कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट शेयर स्नैपचैट से जुड़े होंगे वो आ जाएंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है। इसके बाद नीचे आपको लास्ट नेम लिखना है, जो आपका सर नेम है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आप लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए व्हेन योर बर्थडे, तो आपको यहाँ पर नीचे अपना बर्थडे सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो नीचे आपको कौन सा मंथ है आपका, उस कौन सा डे है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, कौन सा ईयर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आगे बढ़ना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यूजर नेम आपको दिखा देता है। आप चाहे तो इस यूजर नेम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जिस तरह इंस्टाग्राम पर आपका यूजर नेम रहता है उसी तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर चेंज माई यूजर नेम पर क्लिक करना है। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जो अगर अवेलेबल होगा तो दिखा देगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी टेकन, तो आप चेंज करके देखते हैं कौन सा अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यूजर नेम अवेलेबल, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हो नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, जो कि 8 अंकों का होना चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तब आपका यह पासवर्ड आपको काम आने वाला है। इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो मोबाइल नंबर इस पर आप ऐड करना चाहते हो। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा जो कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके जितने भी आप जितने को ऐड करना चाहते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से यहाँ पर आ चुके देख सकते हो, ऐड कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। ऊपर स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, आपका जो इमोजी है वो आपको क्रिएट करना है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके। अब नीचे डन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, टर्न ऑन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपका स्नैपचैट सक्सेसफुली अकाउंट आईडी क्रिएट हो चुका है। अब इसका आपको यूज कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप यहां से देख सकते हो ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन भी आ रहा है, सब कुछ यहां से आप मैनेज कर पाओगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक लीजिए।